लीडर उधर बात करिए, हम आपके साथ हैं इस तरीके। डेफिनेटली देखिए, प्रधानमंत्री ने अमृतकाल की बात करी और विशेष अधिवेशन विशेष सत्र बुलाया है। किसी को पता नहीं है सत्र क्यों बुलाया है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो गणेश उत्सव होता है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जैसे गुजरात में नवरात्र उत्सव होता है तो लोग बाहर नहीं जाते, उपवास करते हैं। तो नवरात्र उत्सव में कभी मोदी जी अपना सत्र नहीं बुलाया गया, कोई दिल्ली में कार्यक्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि बोलेगा हमारा व्रत है। महाराष्ट्र के लोगों का भी व्रत होता है 11 दिन का, और उसी हमारे अमृतकाल में जो महाराष्ट्र का अमृतकाल है, लोग जहाँ काम कर गए, तो आपने दिल्ली में हमें बुलाया है। आप दो चार दिन आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन हमेशा महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार होता है 10 साल से। तो हमने पूछा है कि अगर ये सत्र की योजना आपने की है, उसका कारण क्या है। हमें लगता है सुनने में आया है कि मोदी जी जो चाइना लद्दाख में घुस गया है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं। चाइना ने जो एक मैप पब्लिश किया है जिसमें अरुणाचल लद्दाख की भूमि को अपने मैप पर दिखाया है चाइना ने, उससे वो बहुत संतप्त है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। अगर विशेष सत्र बुलाया है तो चाइना के आक्रमण पर चर्चा होनी चाहिए, और मोदी जी करने जा रहे हैं विशेष सत्र में। विशेष सत्र का मतलब क्या होता है? जो लद्दाख की भूमि चाइना खा बैठी है उसके ऊपर चर्चा होगी। लगता है मोदी जी करने जा रहे हैं, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित विषय है, देश की सुरक्षा का विषय है। तो हमें यह सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सोर्सेस से कि मोदी जी बहुत दुखी है, इंडिया में चाइना कैसे घुसा, हम चर्चा करेंगे सदन में, विशेष सत्र बुलाइए। तो विशेष सत्र की जो मांग है विपक्ष की, सत्र बुलाइए मणिपुर पर चाइना की जो घुसपैठ है उसके ऊपर, जमीन जो चाइना ने खा ली उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं मोदी जी का आभारी हूँ अगर इस विषय पे चर्चा करने का विशेष सत्र ट्वीट केलेला आहे। खरं म्हणजे ऐन गणेश उत्सवात नरेंद्र मोदीजींनी आणि त्यांच्या सरकारनं लोकसभेचं विशेष सत्र बोलवलंय 18 ते 22। महाराष्ट्रामध्ये गणेश उत्सव आहे, महाराष्ट्राचे अनेक लोकप्रतिनिधी यात अडकून पडलेले असतात उत्सवामध्ये, तरीही महाराष्ट्राच्या भावना लक्षात न घेता, हिंदूंच्या भावना लक्षात न घेता मोदी नेहमी असे निर्णय घेतात। नवरात्र उत्सवात घेतील का? पण गुजरातचं व्रत असतं, नवरात्र उत्सवात त्यांची हिंमत होती का सत्र घ्यायची अशा प्रकारचं अधिवेशन? नाही। पण गणपती उत्सवात त्यांनी, पण मला असं समजलं आहे की चीननं जी घुसखोरी केलेली आहे लडाखमध्ये त्याच्यावर मोदी फार दुःखी आहेत, अस्वस्थ आहेत। अरुणाचल आणि अजून काही भाग चीननं आपल्या नकाशात दाखवल्यामुळे मोदी आणि त्यांचं सरकार अस्वस्थ आहे, आणि या सगळ्यावर चर्चा करण्यासाठी मोदींनी म्हणे सत्र बोलवलं आहे। मोदी मणिपूरवर सुद्धा मणिपूरच्या हिंसाचारावर चर्चा करू इच्छित आहेत, म्हणून त्यांनी हे सत्र बोलवलं आहे असं भारतीय जनता पक्षाच्या सूत्रांकडून आम्हाला समजलेलं आहे। जर मोदी मणिपूर, चीनची घुसखोरी, चीनचं आक्रमण, लडाख, जम्मू काश्मीर म्हणजे निवडणुका का होत नाही या सगळ्यावर चर्चा करण्यासाठी जर मोदींनी विशेष अधिवेशन त्यांच्या अमृतकालात बोलवलं असेल तर नक्की आम्ही त्यांचं स्वागत करतो, आणि जरूर तुम्ही अधिवेशन बोलवा आणि या सगळ्या विषयांवर चर्चा करून देशासमोर दूध का दूध पाणी का पाणी होऊ द्या। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।